करीम आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल मेरा टेस्ट है। सो करीम आ चुकी है, उसने जान खाई हुई है, बाकी बातें गाड़ी में करते हैं जाके, आपको बताता हूँ सारा। सो भाई अभी जा रहे हैं कॉलेज, नहीं कॉलेज नहीं, जहाँ पे उन्होंने टेस्ट रखा हुआ है उस जगह जा रहे हैं। और ये सर्दी में आपका भाई ख्वार होते हुए, मतलब कोयटा की ठंड में आपका भाई जा रहा है टेस्ट से। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मेरा टेस्ट है एग्रीकल्चर का, तो वही हम देने जा रहे हैं। और मतलब इतनी ठंड है और इन्होंने मतलब टेस्ट टेस्ट वगैरह रखी हैं स्टूडेंट्स, और फिर एजुकेशन सिस्टम के यही हाल है। स्टूडेंट्स फिर कहाँ इनसे, मतलब वो तो इनके बदवा ही देंगे, क्या ख्याल है? कुछ भी कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं टेस्ट देने। सो भाई मुंह पे कैमरा करने के बाद आपके भाई को एहसास हुआ, आपके भाई का फेस ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात पानी में पड़ा हुआ है, और मतलब पानी में पड़ा हुआ था और अब सूख चुका है। तो हमने इज़्ज़त से जो है कैमरा रोड की तरफ कर दिया, और ये चेक करें फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमसे टेस्ट लिया जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह व्यू। सो भाई यहाँ पे मैं उस बंदे को बदवा दे रहा था जिसने स्टडी बनाई है, मतलब जंगल में रहते जंगल अला हू हू करके उधर ही पड़े पड़े मर जाते। तो भाई आप देख सकते हो, आपको फील हो रहा होगा, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस आपके भाई को आते हैं, बाकी सारे तुक्के मारे हैं, आपको शक्ल से लग ही रहा होगा गाइस। और बस फिर हम अपनी मंजिल अपने घर की तरफ रवाना हुए। ये ब्यूटीफुल व्यू चेक करें, इस व्यू के मज़े लेते हुए हम घर की तरफ निकले। तो भाई फाइनली टेस्ट हो चुके हैं, अब रिज़ल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन बाद ही आएगा। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा हूँ, और ठंड जो है मतलब आज कुछ वेदर सही है, उसके बावजूद आपको दिखाता हूँ क्या मतलब क्या हाल हो रहा है कोयटा का। ये चेक करें, ये पानी डाला था हमने गमले में, और ये देखें मतलब आइस है, ये जम गया पानी उधर ही, ये देख सकते हैं आप। और उसके अलावा जो ये टैंकी है, वही मतलब ये देखिए, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ के आपको दिखाता हूँ। भाई अभी इसको तोड़ेंगे फाइनली, हमें ये छत से कोई जंग वाला डब्बा मिला है तो ये जुगाड़ मिली, इससे तोड़ते हैं इसको। ये चेक करना आप यार, मतलब इतनी हार्ड है, टूट ही नहीं रही, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है कोयटा में। ये देखिए, ये देखिए, ये चेक करें, मतलब टैंकी के अंदर से कितनी मोटी लेयर जो है वो आइस की, काफी मोटी है। ये देखें, ये हालात है कोयटा के। ये देखो, मतलब इतनी ठंड, अल्लाह ही माफ करे। ये
जो है स्टोर किया हुआ पानी है, और ये चेक करें, ये देखें इसके अंदर भी आइस। और ये चेक करें आपके भाई का ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं एक चिकन का पीस लेता हूँ विद टू एग्स एंड सम ब्लैक पेपर। और इसके अलावा मैं थोड़ा मतलब प्रोटीन, एज अ प्रोटीन जो है वो थोड़ी मैंने दाल ली, ठीक है। उसके बाद ये हमारी टी है जो कि पाकिस्तानी मतलब हम सबका लव है। आपको दिखाने लगे हैं कोयटा का वेदर जो शाम के टाइम है तेज आंच पे, ठीक है। तो अभी आपको वेदर की तरफ लेके चलते हैं। सो भाई फाइनली मिल चुके हैं वेदर। फाइनली वेदर मिल चुके हैं, और ये कपड़े शपड़े धुले हैं आज। और मतलब अभी बात सुनो, इधर आओ। आपको पता है क्या मिला है मुझे अभी? ये सुबह मैं दिखा चुका हूँ, चेक कर सकते हैं, बर्फ जो है वो हर जगह जम चुकी है, हर जगह, समझ रहे हो, इतनी ठंड है कोलटा में। तो यार बात सुन, यार अब तो वेदर के बारे में क्या बोलना यार छोड़ वेदर बात तो नहीं, सर्दी का सुना यार, बाकी में पढ़ने वाली हुई है, भरने वाली हुई है सर्दी। कहाँ कहाँ घुस रही है? बिस्तरों के अंदर तो, बिस्तरों के अंदर, कपड़ों के अंदर, मतलब हर जगह घुस रही है। तो भी वेदर तो दिखाते हैं हम लोग, एक अंदर थे हीटर। हाँ हीटर। ये है कुछ शाम के मनाजिर, मनाजिर ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हैं कोटिया, कोटे सिंध वाले कहते कोटे, कोटिया जो इस तरह दिखता है। सुबह सुबह मैंने आपको कुछ टैंकी के मनाजिर जो है वो दिखाए थे, बर्फ जमी हुई थी और अब ऑलमोस्ट 5 से ऊपर हो रहे हैं और अभी भी ये हाल है। ये चेक करो, मतलब अभी भी बर्फ जमी हुई है, आधा दिन गुजर गए, इतनी की ठंड है कोटा में। ये चेक कर सकते हैं, टैंकी से निकाला है हमने। सो जानी लोग, मुझे आ रहा है शेर। जस्ट अकेला शेर ही आ रहा है? शेर आ रहा है। कैट नहीं आ रही? कैट, फिश, डॉग, कुछ नहीं आ रहा। शेर अकेले ही आते हैं, बेटे को देख लें अपने। मार देखो कुछ। तो भाई शेर आ रहा है, सुनो सुनो एक शेर सुनो, मैं नहीं सुना रहा किसी और से सुनो, बैकग्राउंड म्यूजिक दे पीछे से, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। सो भाई फाइनली आज हमारी जो है यूट्यूब की पहली अर्निंग आ चुकी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में है। और ये चेक करें, अब निकलेगी, इसको बोलना पड़ता है खुल जा सिम सिम, मतलब जैसे छोटा भीम में नहीं था भीम की चड्डी दो मचाए, तो ये जो है अभी अभी आएगा, खुल जा सिम सिम, देख लें अब आएगा पैसा, अब आएगा पैसा, ये चेक करें। और भाई ये जो है आपका भाई अब्बा के पैसे उड़ा रहा है, ठीक है, बिल्कुल पायलट है आपका भाई, अब्बा के पैसे टाइट उड़ाते हैं ये, मतलब खुद के अर्न किए हुए पैसे नहीं है, वो टाइम भी आएगा जब खुद अर्न करेंगे भाई। अब हम जा रहे हैं खाना लेने अपने डिनर के लिए, और मतलब मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी जो उंगलियां थी उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने इज़्ज़त से कैमरा जेब में रखा। और ये चेक करें, हमारा फाइनली जो है डिनर आ चुका है, जिसमें हमारे पास बिरयानी है और उसके अलावा जो है चेस्ट पीस है, उसके अलावा एक बिरयानी और है जो कि मतलब मैं इतनी क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी नहीं खाता, लेकिन एक बिरयानी मैंने ऐसे ही रखी हुई है डेकोरेशन के लिए। चल झूठा। जी
तो भाई आज फिर एक दफा गाना गाते हुए अब्दुल्ला मैं कोई चढ़ यार कोई जुबान पे नहीं चढ़ पा रहे गाना तू चढ़ा चढ़ा चढ़ाने की कोशिश कर चढ़ जाएगा मैं कोई ओ कान नहीं आ रहा उर्दू का उर्दू का उर्दू में आता नहीं है बात सीधी आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते ये सारे गम बेकार है भैया मैं तो टूट गया गा सही गा रहे बस इतना सही आता था मुझे तो भाई गाने शाने सुन रहा हूँ मैं और सर्दियाँ आ गई हैं ठीक है आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं जैसे कि मेरे मुंह से धुएं निकल रहे अभी हाँ तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह खाएं अब आप बोलेंगे अभी चरिया हो गई है क्या 12,000 रुपये किलो चल रही है चलगोजा तो भाई आप ये ना खाएं मतलब आप पीनट बटर खाएं साथ कॉफी पिए साथ बिस्कुट वगैरह खाए हाँ जो चस आएगी यार अभी मैं घर से कॉफी अच्छा बिस्कुट वगैरह खा कर रहा हूँ अभी अच्छा तो आप पीनट्स वगैरह खाएं पीनट्स को छोड़ो यार बटरफ्लाई ले लो 20 रुपये का मिलता है बाहर से ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे यार तो यार मतलब ये जो होती है ना सर्दियों की वो होती है ये खाना हाँ तो ये खाए इससे आप गर्माइश आप पैदा कर सकते हैं आप ऐसा खुदा की कसम 150 रुपये में घर सूप बन सकते हैं आप मंगाए 100 रुपये का चिकन बोतलें आलू की घर पे पड़ी होगी आप लोग बना के पिए नहीं यार अभी मैं घर से सूप ही पी कर आ रहा हूँ तो इस बाइक के लिए लाना मैं भूल गया था थैंक यू तो भाई आप मतलब घर में भी बैठ के जो है सर्दी का मज़ा उठा सकते हैं पीनट्स वगैरह खाएं और ये जो सूप सूप बता रहे 100 रुपये का वो पिए और खैर आप लोगों को बनाना नहीं आता तो जाके बाहर 120 रुपये का अंडे वाला मिलता है वो जाके पी ले अच्छा तो भाई अंडे वाला सूप पहले मतलब पहले तो अंडे वाला बर्गर था अंडे वाला बर्गर भी मिलते भी अच्छा सूप भी हाँ 120 रुपीज एनी वन बॉल अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा तो भाई आप देख सकते हैं ये भी आप पी सकते हैं मतलब सर्दी का फुल मज़े उठाएं एंजॉय करें दुआओं में याद रखें यानी लोग आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आई नो यार मैं बहुत लेट व्लॉग्स डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाबा की थोड़ी सी बैक का इशू है और उनको डेली डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते हैं वो तो फिर उधर ही मुझे वेट करना पड़ता है तो इस वजह से आपको भी मैं एक सजेशन दूंगा अगर आप जिम करते हैं या तो किसी ट्रेनर से या मतलब अगर ट्रेनर से करें ट्रेनर अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप इंटरनेट से करें ख़ुद जो है वो सेट्स वगैरह ना लगाएं क्योंकि ये जो है मतलब इसका मतलब एक एंगल ख़राब जो है वो आपकी पूरी लाइफ मतलब बहुत पेन कर सकता है तो या तो ट्रेनर के पास जाएं या फिर इंटरनेट से एक्सरसाइजेज निकालें सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है चैनल को कर दें सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें लाइक कर दें और शेयर दबा के कर दें मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें भाई को दुआ में याद रखें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना एंड एज ऑलवेज आई लव यू ऑल बाय